हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 31 जनवरी और 31 जनवरी से करंट अफेयर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सभी क्वेश्चंस से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप इस वीडियो की PDF टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस यह कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है, 30 जनवरी को। अच्छा, यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो कुष्ठ रोग के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। अब यदि हम बात करें कि ये कुष्ठ रोग ये क्या है, तो यह एक तरह का संक्रामक बैक्टीरियल रोग है जो कि विशेष रूप से स्किन और आइज पर इफेक्ट डालता है। लेकिन भारत में यह रोग ना के बराबर है, यानी कि एक डेटा के अनुसार देखा जाए तो भारत में 10,000 में भी मुश्किल से एक व्यक्ति में यह रोग पाया जाता है, यानी कि भारत में यह रोग खत्म हो चुका है। अब यदि हम बात करें कि इस बार के विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस की थीम क्या थी, तो थीम थी एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा एंड प्रिजज। और यदि हिंदी में हम कहेंगे तो इसकी थीम थी भेदभाव कलंक और पूर्वाग्रह को समाप्त करना। तो थीम भी आप याद रखेंगे। और 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस तो मनाया ही गया, साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया। क्या मनाया गया? शहीद दिवस, क्योंकि इसी दिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, और ये 72वें क्रम का शहीद दिवस है। एक और चीज़ आप याद रखिएगा, जो 23 मार्च है इसे भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 23 मार्च के दिन सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु तीनों को ही फांसी पर चढ़ाया गया था, इसलिए दोनों ही आप याद रखेंगे। और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि करंट अफेयर का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये भले ही 15 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन इसे बनाने के पीछे 5 घंटे की मेहनत होती है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने के पैसे तो बिल्कुल नहीं लगते, बस ये है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मेडिटेशन आप सभी समझते हैं, तो इसका उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना में भी कहा, यहाँ की जो राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद में कान्हा शांति वनम में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, और इस मेडिटेशन सेंटर में 1,00,000 लोगों को मेडिटेशन करने की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसी का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। तो इसके बारे में जान लेते हैं, यहाँ की राजधानी अभी मैंने बताया हैदराबाद है, और जो हैदराबाद है यह भारत का पहला ब्लॉक चैन जिला है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका नाम है के चंद्रशेखर राव। गवर्नर कुछ समय पहले ही बनाई गई हैं, इनका नाम है तमिलिसाई सौंदराजन। तेलंगाना से लोकसभा सीटें कितनी आती हैं? 17, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 7। और यदि हम तेलंगाना को करंट से रिलेट करेंगे तो जो तेलंगाना है इसने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है। साथ ही तेलंगाना का पहला मेगा फूड पार्क ये कहाँ खोला गया है? यहाँ का एक जिला है निज़ामाबाद जिला, और यहाँ का एक गांव है लक्कमपल्ली गांव। निज़ामाबाद जिले के लक्कमपल्ली गांव में तेलंगाना का पहला मेगा फूड पार्क खोला गया है। और ध्यान दीजिए, मैंने कहा है ये तेलंगाना का पहला मेगा फूड पार्क है, भारत का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया दिल्ली में। और ये जो वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट है ये है क्या? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो कि विकासशील क्रियाओं पर आधारित है, और इसी का आयोजन किया गया दिल्ली में। अच्छा, आयोजन तो किया गया दिल्ली में, किसके द्वारा किया गया? तो यह आयोजित किया गया टेरी के द्वारा। यहाँ पर टेरी की फुल फॉर्म बनती है, फुल फॉर्म क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। अब यदि हम बात करें टेरी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर अजय माथुर। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी थीम, तो इस बार के वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 की थीम थी टूवर्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट काउंट।
तो थीम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा हरियाणा में, क्योंकि सूरजकुंड मेला ये कहाँ लगता है? फरीदाबाद हरियाणा में। और इसका आयोजन किया कब जाएगा? फरवरी 2020 में। और इस मेले का उद्घाटन करेंगे रामनाथ कोविंद जी, जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं। और इस मेले का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है, और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि भागीदार देश कौन होगा? उज्बेकिस्तान, जबकि थीम राज्य होगा हिमाचल प्रदेश। तो ये आप याद रखेंगे। अब यदि हम डिस्कस करें हरियाणा के बारे में, तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीटें कितनी आती हैं? 10। राज्यसभा सीटों की संख्या कुल 5। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, तो हाल ही में नूजन मोबिलिटी समिट, इसका आयोजन किया गया था हरियाणा में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बर्लिन साइकिलिंग टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है एसओ एल्बन ने, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। और इनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यह भारतीय हैं, यानी कि इंडिया के हैं, और इन्होंने जीता है गोल्ड, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल, ये जीता है टॉमस बाबेक ने। और ये किस कंट्री से हैं? ये हैं चेक गणराज्य से। और थर्ड पोजीशन पर रहे जर्मनी के मैक्स मिलियन लेव, और इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर एक नाम केवल इम्पॉर्टेंट है, एसओ एल्बिन, क्योंकि कुछ समय पहले ही इन्हें मुंबई में ही स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2020 में यूथ एथलीट ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब यदि हम डिस्कस करें बर्लिन के बारे में, तो बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, करेंसी क्या है? यूरो। और प्रेजेंट टाइम में जर्मनी की चांसलर कौन है? तो इनका नाम है एंजेला मर्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया मुंबई में, और मुंबई के भी वर्ली में इसका आयोजन किया गया। और ये जो फिल्म फेस्टिवल है, यह दक्षिण एशिया में गैर फीचर फिल्मों का सबसे बड़ा और सबसे पुराना फिल्म फेस्टिवल है, जिसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1990 से। और ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। और प्रेजेंट टाइम में हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। और यदि हम डिस्कस करें मुंबई के बारे में, मुंबई तो इसे ही 7 टापुओं का शहर कहते हैं, और भारत का हॉलीवुड ये भी कहा जाता है मुंबई को ही। प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर ये भी मुंबई में ही स्थित है, साथ ही मुंबई में ही भारत का पहला तैरता बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है। और मुंबई जो है ये टैप वाटर रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। तो मुंबई से रिलेटेड ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने सर्वाधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर दिया है? तो ये दर्ज किया है नेपाल ने। और नेपाल में एवरेस्ट बेस कैंप के पास एक जगह है काला पत्थर, और यहीं पर तकरीबन 5,340 मीटर की ऊंचाई पर इस फैशन शो का आयोजन किया गया था। और इस फैशन शो ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर दिया है, क्योंकि इतनी हाइट में ये पहला फैशन शो आयोजित किया गया था। अब यदि हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? सार्क का। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है विद्या देवी भंडारी। प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। और बात यहाँ पर नेपाल की आ रही है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात आ रही है, तो एक और नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, वंदना का। जो वंदना है ये बिलोंग करती है नेपाल से ही, जिन्होंने कुछ समय पहले ही 126 घंटे लगातार डांस करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा किसे डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं अभिजीत बनर्जी। अब ये डी लिट की उपाधि का मतलब है डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स, इसी की उपाधि से सम्मानित किए गए हैं अभिजीत बनर्जी। और अभी हाल ही में कोलकाता यूनिवर्सिटी ने अपना कॉन्वोकेशन मनाया है, यानी कि दीक्षांत समारोह मनाया है, और इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने अभिजीत बनर्जी को सम्मानित किया है। अब यदि हम बात करें अभिजीत बनर्जी की, तो आप सभी जानते हैं ये भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया था।
हालांकि नोबल प्राइज़ अर्थशास्त्र के फील्ड में तीन लोगों को मिला था। एक तो है अभिजीत बैनर्जी, दूसरी है इनकी वाइफ एस्थर डुफ्लो और तीसरे हैं माइकल कैमर। जिसमें कि जो अभिजीत बैनर्जी हैं और इनकी वाइफ है एस्थर डुफ्लो, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल प्राइज़ पाने वाली इतिहास की पहली जोड़ी बनी है, इसलिए इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है। और यदि हम अभिजीत बैनर्जी के नाम को करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही मोहन बागान एथलीट क्लब ने अभिजीत बैनर्जी को आजीवन सदस्यता प्रदान की है, यानी कि लाइफ टाइम मेम्बरशिप यह प्रदान की गई है मोहन बागान एथलीट क्लब के ही द्वारा, तो ये आप याद रखिएगा। और यदि हम बात करें कलकत्ता विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1857 में। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के चांसलर कौन है? तो इनका नाम है सोनाली चक्रवर्ती बैनर्जी, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संघ के द्वारा ब्रिटेन को ब्रेग्जिट समझौते से मंजूरी दे दी गई है? तो कल ही मैंने बताया था, जो ब्रिटेन है ये अब यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला है, और इसी समझौते के लिए जो वोटिंग हुई थी इसमें पक्ष में वोट पड़े थे कुल 621 और विपक्ष में वोट पड़े थे 49। और जो ब्रिटेन है यह आज ही के दिन यानी कि 31 जनवरी 2020 से यूरोपीय यूनियन से अलग होने जा रहा है, और अलग हो रहा है इसी के लिए कल मैंने आप लोग बताया था कि इसने 50 पेंस का ब्रेग्जिट स्मारक सिक्का भी लॉन्च किया है, तो ये आप याद रखेंगे। साथ ही जो ब्रिटेन है यह यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला पहला देश बन गया है। यूरोपीय यूनियन वैसे इसमें देखा जाए तो 28 कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो ब्रिटेन है यह इससे अलग होने वाला पहला कंट्री बन गया है। अब यदि हम बात करें यूरोपीय यूनियन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अच्छा, ब्रुसेल्स में किसी और का भी हेडक्वार्टर स्थित है? नाटो का, यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी आप याद रखेंगे। साथ ही जो ब्रिटेन है यह क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश है। प्रेजेंट टाइम में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है बोरिस जॉनसन। हाल ही में मेडागास्कर के चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत के लिए इंडियन नेवी के द्वारा कौन सा ऑपरेशन आरंभ किया गया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन वनीला। और यहाँ पर जो तबाही मची है इससे वहाँ के लोगों को मदद करने के लिए यानी कि प्रभावित लोगों को बचाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की है इंडियन नेवी ने। अब यदि बात की जाए इंडियन नेवी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1612 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? तो इनका नाम है एडमिरल कर्मवीर सिंह। और इंडियन नेवी इसका मोटो क्या है? मोटो है सम नो वरुण। अच्छा, इंडियन नेवी डे यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 दिसंबर को, तो ये भी आप याद रखेंगे। एक और चीज़, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इंडियन नेवी के बारे में और ऑपरेशन के बारे में, तो मैंने ऑप्शन में कुछ ऐसे नाम लिखे हैं जो कि ऑपरेशन से ही रिलेटेड है, जैसे कि ऑपरेशन मदद। ये जो ऑपरेशन मदद है ये 2018 में चलाया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। आप सभी जानते हैं केरल में जब भीषण बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में जो लोग फंस गए थे उन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन मदद चलाया गया। ऑपरेशन निस्तार ये भी 2018 में चलाया गया था, जो यमन द्वीप था उसमें चक्रवात में जो भारतीय लोग फंस गए थे उनकी मदद के लिए। और ऑपरेशन राहत ये चलाया गया था 2015 में। तो ये सारे ही ऑपरेशन हैं जो कि इंडियन नेवी के द्वारा चलाए गए थे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किए गए थे तरनजीत सिंह संधू। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल ये कहाँ खोला जाएगा? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में डिटेलिंग के साथ लिखिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए। और आज की इस वीडियो का टारगेट 25,000 लाइक का है। 25,000 लाइक कीजिए, और जितने लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ एक शेयर ज़रूर करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।